अब भीखी से वापस आते हुए मैं आया हूँ संगरूर, और यहाँ मैं देखा इंडियाज नंबर वन आइसक्रीम पकोड़ा, श्री ओम प्रकाश पकोड़े वाले जी। तो जैसे आपको पता है मैं जिस सिटी में भी जाता हूँ वहाँ की ख़ास चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं सर से और पूछते हैं आइसक्रीम के पकोड़े के बारे में। नमस्कार जी। सर थोड़ा दसोगे तुसी आइसक्रीम के पकौड़े का, कि मेरे ख्याल मैं तो पहली बार ही सुने है। जी पहली बार ही सुने, पहली बार ही कहोगे जी। सुन अच्छा, जी कोई शॉप है जी तो आइसक्रीम का पकौड़ा बनता और कॉफी बहुत होती है। अच्छा जी, रियल जी जगह यही है। अच्छा जी, ओरिजिन ओरिजिन कह सकते हैं, ओरिजिनल जी जगह यही है। अच्छा जी, थोड़ी कितनी पुरानी शॉप है सर? 50 साल पुरानी है जी। हाँ जी, 17 साल तो अभी आइसक्रीम पकौड़ा बना रहे हैं। साढ़े पापा का कम से 50 साल पुराना पकौड़िया का। अच्छा जी, उन्होंने काम अगर उदाहरण वास्ते अभी कुछ चेंजिंग ले आए हैं। अच्छा जी, इनोवेशन की है, लोगों को ये चीज़ याद रहे कि एक्स्ट्रा चीज भी पेश हो सकती है। अच्छा सर, और थोड़ी दुकान किस जगह थी सर? अगर कोई बाहरों संगरूर तो आता है तो उन्होंने लोकेट करने वास्ते? सर मैं कह देना चाहना भी किसी ने भी संगरूर के आना अपना गूगल मैप के उत्ते आइसक्रीम पकौड़ा फिल कर ले। अच्छा जी, गूगल मैप सीधी लोकेशन शॉप के उत्ते आएगी। ठीक है जी, सो नाइस ऑफ यू सर। थैंक यू सर, मैं आपको बना के दिखाना तुम्हें। ठीक है सर, शेयर कर सकते हैं सर? हाँ जी, आज कोई चक्कर नहीं। देखो जी आइसक्रीम का पकौड़ा बन रहा है जी, इससे हल्का जहाँ मैंने नारियल का बुरादा लगाया हुआ है सर, उस तो बाद मैंने हल्का जहा नमक पाया हुआ है। हाँ जी, उसके बाद मैं फ्राई करके दिखावा, जितना टाइम तुझे कहोगे कढ़ाई के बीच रखा दो आइसक्रीम मेल्ट नहीं होएगा। हाँ जी, सर नकल तुसी जिथे मर्जी खा लो, लेकिन अगर असली आइसक्रीम का पकौड़ा खाना है तो थानू संगरूर ही आना पेगा ओम प्रकाश जी की शॉप से। देखो बना के दिखा रहे हैं। उसके अलावा थोड़ी स्पेशलिटी की हैगी सर? पकौड़िया के अभी पहले ही थोड़े जो फेमस है जी, 50 साल पुराने साढ़े पापा का कम से। अच्छा जी, हाँ जी, हर एक आइटम होती है वेज के जो मर्जी लै सकते सर। और एक कुल्फी भी सर थोड़ी अपनी बनाई हुई है? अच्छा जी, सप्लाई भी होती है। अच्छा जी, ठीक है सर। यह देखो जी, ये बन गया आइसक्रीम का पकौड़ा, ओरिजिनल आई है, नकल तुसी जिथे मर्जी खाते रहो। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।